हेलो दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के इस निःशुल्क स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं हूं गौरव कुमार त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम दैनिक उत्तर लेखन का अभ्यास कर रहे थे और आज हमारा डे 11 है, यानी इसके पूर्व हम क्वेश्चन 19 तक डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज जो हमारा अभ्यास प्रश्न होगा वह सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के भूगोल के हिस्से से संबंधित होगा। तो हर बार की तरह हम प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे कि इसके उत्तर लेखन में किन चीजों का यानी किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा आज का प्रश्न है, भूचुंबकत्व एवं पूरा चुंबकत्व क्या है? वर्तमान में यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के क्या कारण है? ठीक है, तो प्रश्न है, पहले तो आपको डिफाइन करना है प्रश्न, यानी दो पार्ट है, इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। पहला पार्ट है कि भूचुंबकत्व क्या है एवं पूरा चुंबकत्व क्या है, इन दोनों को आपको समझाना है। और दूसरा है कि वर्तमान में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के क्या कारण है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो एक बार हम प्रश्न को समझ लिए तो अब हम देखते हैं भूमिका में क्या लिखना है। तो क्योंकि प्रश्न पहले से ही बहुत लॉन्ग है तो इसमें कुछ अधिक आपके पास भूमिका में पृष्ठभूमि आदि कुछ बताने का, जैसे आप ये नहीं बता सकते कि भूचुंबकत्व शब्द जो है कहाँ से आया या किसने इसकी अवधारणा को पहली बार स्थापित किया, तो ये सब आपके पास बताने का बहुत ही अधिक स्पेस टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपको सीधे क्या करना होगा, सीधे भूचुंबकत्व को डिफाइन करिए, सीधे पूरा चुंबकत्व को डिफाइन करिए। तो भूचुंबकत्व क्या है? देखिए, जो पृथ्वी है, पहले हम समझ लेते हैं एक बार, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, कोर है और मेंटल है। मेंटल में मैग्मा पिघली अवस्था में रहता है और जो बाह्य कोर है उसमें भी मैग्मा पिघली अवस्था में रहता है और पृथ्वी घूमती रहती है। पृथ्वी घूमती रहती है तो क्या होता है, इसमें मैग्मा भी घूमता है, लेकिन जो रेडियस है, जैसे यहां से अगर हम बात करें यहां की डिस्टेंस का, तो यहां की वेलोसिटी अगर v1 है तो यहां दूर की जो वेलोसिटी है वो v2 होगी, अगर अगर ये ओमेगा के स्पीड से घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि v1 का रेडियस सेंटर से कम है तो v1 हमेशा स्लो होगा और V2 ज्यादा होगा, क्योंकि V2 का रेडियस ज्यादा है। और हमको पता होगा, अगर हमने 10th 11th में फिजिक्स पढ़ा होगा थोड़ा भी, तो ये पता होगा V1 क्या होता है, V क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, यानी जो रिवोल्यूशन स्पीड है वो प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होती है, रेडियस होती है। और V जिसको हम बराबर कर, दिस इंप्लाइज हम पढ़ते हैं V इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, तो ये देखिए, रेडियस इंटू जो रोटेशन स्पीड है, जो एंगुलर वेलोसिटी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम ये समझेंगे कि क्या होता है, पृथ्वी के जो आंतरिक कोर में जो मैग्मा है, केंद्र से अगर दूरी बढ़ते जाए तो मैग्मा की गति बढ़ती जाती है, और मैग्मा की गति बढ़ती जाती है यानी ये आपस में घर्षण, मैग्मा की अगर हम कुछ लेयर की बात करें तो ये आपस में घर्षण करते हैं मैग्मा, और आपस में घर्षण करते हैं तो इससे क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये डायनामो की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, देखिए यहां पे हमने लिखा है डायनामो इफेक्ट के द्वारा पृथ्वी का बार चुंबक की तरह व्यवहार, तो जब डायनामो इफेक्ट होता है तो उसके कारण पृथ्वी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तरह व्यवहार करती है, और इसकी एक चुंबकीय, हम कह सकते हैं पूरी रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं पृथ्वी पर प्राप्त होती हैं और पृथ्वी पर एक चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। तो ये बात हो गई कि भूचुंबकत्व है, तो भूचुंबकत्व की अगर हमको एक लाइन में डिफिनेशन देनी रहेगी तो पृथ्वी बार चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसका उत्तरी जो सिरा है वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी जो सिरा है वो उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है, और ये मुख्यतः किस कारण से होता है, यह डायनामो इफेक्ट के कारण होता है। तो आपको इस बात को भूमिका में समझा देना है भूचुंबकत्व। अब बात करेंगे पूरा चुंबकत्व क्या है, तो सबसे बड़ी बात देखिए इसको भी हम समझते हैं, जो पृथ्वी का ये है आप कह सकते हैं ये महासागरीय क्रस्ट है। ठीक है, महासागरीय क्रस्ट है ये, मान लिया ओशियनिक, ये ओशियनिक प्लेट है। अब बात करेंगे तो यहाँ पे अंदर क्या है, मैग्मा है पृथ्वी के, और ये मैग्मा जब ऊपर निकल रहा है इसी रास्ते, और ये नितल प्रसरण हो रहा है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है सागर नितलीय प्रसरण। ठीक है, तो जब ये नितल का प्रसरण हो रहा है और मैग्मा ऊपर आ रहा है तो ऊपर आके जमेगा। ठीक है, और एक हमने बात की ली थी कि भूचुंबकत्व, यानी पृथ्वी का चुंबक की तरह व्यवहार होता है, और एक सबसे बड़ी बात है कि जो भू जो चुंबक की तरह पृथ्वी व्यवहार करती है यह समय के साथ परिवर्तनशील होती है। ठीक है, समय के साथ परिवर्तनशील होता है, यानी जो दिशा है, ये देखा गया है कि पृथ्वी की जो नॉर्थ साउथ एक्सिस है वो पूरी तरह से रोटेट हो जाती है, कुछ लाख सालों में यह साउथ नॉर्थ बन जाता है।
किन कारणों से होता है ये अगले पार्ट में उत्तर देंगे हम, किन कारणों से होता है इसको अगले पार्ट में समझेंगे। तो जब यहां से मैग्मा निकल रहा है और पृथ्वी अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल है, और जो मैग्मा है अगर उस मैग्मा में फेरोमैग्नेट है, यानी हम कहते हैं लौह चुंबकीय कण है, ठीक है, तो क्या होगा, मैग्मा में जो कणों का संरेखण होगा वो पृथ्वी के नॉर्थ साउथ पोल एक्सिस, ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल के अनुसार कणों का संरेखण हो जाएगा। तो कणों का संरेखण जो होता है उसी को बोलते हैं पूरा चुंबकत्व। यानी जो ऐतिहासिक काल में जो बेसाल्टिक मैग्मा निकला उसके मैग्नेटिक गुणों के आधार पे या उसके मैग्नेटिक संरेखण, चुंबकीय संरेखण के आधार पे हम बताते हैं कि उस समय पृथ्वी की एक्सिस जो कि मैग्नेटिक एक्सिस थी, जिसको हम कह सकते हैं चुंबकीय जो अक्ष था, वह किस दिशा में था। तो इसको देख के जो हम बताते हैं, यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय कणों का इतिहास क्या है, पूरा चुंबकत्व है। तो आप सिर्फ इन दोनों चीजों को इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं आराम से। अब बात करेंगे मुख्य भाग की, तो मुख्य भाग क्या पूछा है, वर्तमान में चुंबकीय क्षेत्र के बदलाव के क्या कारण है, तो इसको हम देखते हैं, ये लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार कारण, तो कारण क्या है, पहला हमने बात कर ली थी डायनामो इफेक्ट। डायनामो इफेक्ट क्या होता है कि ये जो है, देखिए इसको हम थोड़ा और समझते हैं, जो पृथ्वी का जो कोर है और ये है मेंटल, ठीक है, मेंटल में तत्व पिघली अवस्था में रहते हैं और यहां पे क्या होती है, परमाणविक रिएक्शन चालू रहती है हमेशा, भू रासायनिक क्रियाएं यहाँ पे चलती रहती हैं, और यहाँ पे हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियो थर्मल क्रियाएं भी यहाँ पे होती रहती हैं, ठीक है, न्यूक्लियो थर्मल क्रियाएं भी यहाँ पे होती रहती हैं। तो देखिए जब यहाँ पे न्यूक्लियो थर्मल क्रियाएं हो रही होंगी तो यहाँ पे हीट बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगा, यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है। और आपने पढ़ा होगा अगर क्यूरी कॉन्सेप्ट की हम बात करें, जब जो क्यूरी मैडम क्यूरी ने दिया था, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ये है आपके जो पृथ्वी के अंदर जो तरित मैग्मा है गलित अवस्था में, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में ट्रांसलेट करने में, लेकिन इसको हम समझ लेंगे आराम से अगर थोड़ा सा ध्यान दे दो, कि जो गलित मैग्मा है पिघली अवस्था में, ये जब क्यूरी टेम्परेचर से नीचे जाता है तभी ये मैग्नेटिक कणों के संरेखण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यानी आप देखिए एक बार अगर हम बात करें, जो कि पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि चुंबकीय कणों का संरेखण कब होता है, जब तापमान क्यूरी टेम्परेचर के नीचे आ जाए। और डायनामो इफेक्ट क्या है, तो डायनामो इफेक्ट क्या है, यही जो घर्षण हो रहा है, घर्षण से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं जिनके कारण पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जन्म हो रहा है, वो है डायनामो इफेक्ट, ठीक है। तो डायनामो इफेक्ट से कैसे चेंज हो रहा है, तो इसको हम समझते हैं, डायनामो इफेक्ट से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जन्म ले रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जन्म ले रहा है उसके बाद क्या होगा, अगर हीट ज्यादा होगी तो आपने पढ़ा होगा जो मैग्नेटिक गुण है, जो चुंबकीय गुण होते हैं किसी पदार्थ के, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें यहां पे टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाएगा तो जो अंदर का मैग्मा होगा उसकी जो चुंबकीय शक्ति होगी यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कम हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड घटते 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 इतना कम हो जाएगा कि वह अपनी एक्सिस ही चेंज कर देगा, पहले नॉर्थ था साउथ था, अब क्या हो जाएगा, घटते घटते ये साउथ और नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। तो डायनामो इफेक्ट से ये होता है। उसके बाद बात करें, ये एक चक्रीय परिघटना है, चक्रीय परिघटना की हम बात कर लिए थे कि कई लाख सालों में कई कारण होते हैं जो पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल को पलटते हैं, यानी मैग्नेटिक पोल को जो रिवर्स करते हैं, उसके बहुत से कारण हैं और ये एक चक्रीय घटना है। फिर है फ्लेमिंग का नियम। फ्लेमिंग का नियम के अनुसार क्यों चेंज हो रहा है, कि देखिए पृथ्वी का घूर्णन अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो आपको पता होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, देखिए ये सब थोड़ा फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा हैं, ठीक है, भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन ज्यादा हैं ना कि जियोग्राफी के, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन जियोग्राफी में पूछा है तो आपको कुछ भौतिक विज्ञान के कीवर्ड्स को यूज करना पड़ेगा, कि फ्लेमिंग का नियम, तो फ्लेमिंग का नियम आप चाहें आपको बस इतना लिखना है, मैं बस थोड़ा सा समझाने के प्रयास कर रहा हूं, आपको बस इतना लिखना है कि फ्लेमिंग के नियम के अनुसार अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, करंट का ये डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऊपर के डायरेक्शन में होगी, ठीक है, बादल के डायरेक्शन में होगी अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से आप फ्लेमिंग का नियम बता सकते हैं। और उल्का की टक्कर से, जैसे कई बार देखा गया है कि जब लोनार झील बनी थी महाराष्ट्र की, तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड कुछ और था और उसके बाद कुछ और था, तो ये कहा जाता है कि उल्का इतना तेज से टकराती है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है।
कभी आप किसी मैग्नेट को हथौड़े से मार के देखिए तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, और कम होते होते इतना कम हो गया कि पलट गया। और पलटा क्यों? क्योंकि अंदर भू रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो इस कारणों से हम कह सकते हैं कि यह है कारण। कारण आपने बताया तो आप क्या कह सकते हैं, जो पूछा है वर्तमान में, प्रश्न पूछा है वर्तमान में मैग्नेटिक फील्ड के परिवर्तन का क्या कारण है, तो आपने ये सारे कारण बता दिए, 1, 2, 3, 4, और उदाहरण के तौर पे बता दिया कि अभी क्या हो रहा है, देखा गया है, पाया गया है कि 55 किलोमीटर पर ईयर की दर से जो उत्तरी मैग्नेटिक पोल है यानी उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है वो साइबेरिया या हम कह सकते हैं पूर्व की ओर खिसक रहा है। ठीक है, तो आपने ये बता दिया कि साइबेरिया में तीव्र गति से वह दिशा बदल रहा है और इसका कुछ प्रभाव होगा क्योंकि ये कारण है और मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो उसका कुछ प्रभाव होगा, और वही प्रभाव और उस प्रभावों को जो नकारात्मक प्रभाव है उनको कम करने के लिए क्या उपाय किए जाए, यही आप निष्कर्ष में बता देंगे। तो आप बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे नौवहन में बाधा आएगी। आप बताओगे जितनी भी नौवहन प्रणालियां होती हैं वो सभी किसी ना किसी रूप से मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी होती हैं। ठीक है, जो जो पक्षी होते हैं, पक्षी का जो नेविगेशन होता है पक्षियों का, वो भी पृथ्वी के अर्थ के वो भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे निर्भर करता है। तो आप ये कह सकते हैं इसका जीव जंतुओं के साथ साथ वैज्ञानिक क्रियाकलापों पर भी प्रभाव है, नौवहन पे प्रभाव है। ये आपने बता दिया इसका नकारात्मक प्रभाव होगा कि जो हमारी प्रणालियां भी कार्य कर रही हैं जैसे जीपीएस सिस्टम या नौवहन के जो जो उपकरण, जो कि कंपास, जो कंपास होता है जो डायरेक्शन बताता है, उनको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, इस कारण से कैलिब्रेट करना पड़ेगा, कैलिब्रेट करना पड़ेगा और अनुसंधान एवं विकास के द्वारा इसके प्रभावों को जांचने की आवश्यकता है। तो ये कह के आप निष्कर्ष बता सकते हैं, तो एक आपका अच्छा निष्कर्ष भी हो जाएगा और जिससे ये पता चलता है कि आप व्यवहारिक रूप से समस्या को समझ रहे हैं कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड घूमने के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आपने उसको भी समझा है। अब बात करेंगे आज के अपने द्वितीय प्रश्न का, जो कि हमारा ओवरऑल प्रश्न संख्या 21 होगा, यह भी भूगोल के इससे संबंधित है। प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत की भूजल समस्या का समाधान पारंपरिक जल संग्रह प्रणालियों द्वारा ही संभव है, चर्चा करें। तो देखिए एक बार प्रश्न पढ़िए, उसके बाद एक मिनट के अंदर यह डिसाइड करें कम से कम कि कितने पार्ट हैं प्रश्न में, कितने पार्ट हैं, और अगर कई पार्ट आपको लगे कि 2 से 3 पार्ट है, जैसे पिछले पेपर में, पिछले प्रश्न में 2 पार्ट थे, तो अगर आपको पता चले कई पार्ट हैं तो आपको यह डिसाइड करना होगा। दूसरा स्टेप है यह डिसाइड करें कि कितने शब्दों में कितने पार्ट को लिखें अथवा पार्ट का कितना वेटेज होगा, तो यह डिसाइड आपने कर लिया तो कम से कम आपको इतना कार्य करना है, उसका सोचना है कि निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, यानी सुझावात्मक निष्कर्ष किस प्रकार होगा, भविष्यगामी निष्कर्ष किस प्रकार होगा। तो अब बोल रहा है प्रश्न, हम प्रश्न पढ़ के आप एक बार मन में सोचें और फिर मेरे उत्तर से मिलाएं कि वाकई में क्या आपने लगभग इसी तरह का प्रयास किया है। तो भारत की भूजल समस्या का समाधान, तो पहली बात कह रहा है भूजल समस्या, ये कीवर्ड है कि भारत में भूजल एक समस्या है, भूजल की एक समस्या है, का समाधान पारंपरिक जल संग्रह प्रणालियों द्वारा संभव है, चर्चा करें। तो आपको बताना है क्या जो भारत में भूजल समस्या है अभी वर्तमान तौर पे, पारंपरिक जल संग्रह प्रणालियां जो भारत में वर्षों से उपयोग की जा रही हैं, क्या उनके माध्यम से इस भूजल समस्या का समाधान संभव है, तो ये आपका जो प्रश्न है वह मुख्य है। तो अगर हम भूमिका की बात करें तो आप भूमिका में क्या बता सकते हैं, भारत की भूजल समस्या को बता सकते हैं। ठीक है, यही सबसे अच्छी भूमिका होगी कि आपने प्रश्न को ये एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ भाई भारत में भूजल समस्या है, नहीं तो प्रश्न तो उत्तर करने की आवश्यकता ही नहीं होती, तो यही आपने भूमिका में बता दिया। तो आप भूमिका में क्या लिख सकते हैं, भारत में भूजल की वर्तमान स्थिति नीति आयोग के अनुसार 2020 तक, ये आपको देखिए भारत में भूजल की वर्तमान स्थिति यानी भूजल समस्या, यही आपको बताना है, भूजल समस्या ये आपको भूमिका में बताना है। तो आपने क्या बताया वर्तमान स्थिति में कि नीति आयोग के अनुसार 2020 तक 21 शहर भारत के जो हैं वो जल संकट से ग्रस्त हो जाएंगे, ये आपने बताया। लगभग 600 मिलियन जो भारतीय हैं वो कठिन जल संकट के दौर से गुजर रहे हैं, ये आपने बताया, ये डाटा बताया। या फिर आप ग्लोबल वाटर क्वालिटी इंडेक्स का बता सकते हैं कि ग्लोबल वाटर क्वालिटी इंडेक्स में भारत नीचे से दूसरे स्थान पे है, और दूसरे स्थान पे मतलब भारत में यह क्या प्रदर्शित करता है, भूजल की समस्या को प्रदर्शित करता है। तो आप बताइए भारत में एक बड़ी भूजल की समस्या को प्रदर्शित करता है, और आप बता सकते हैं कि
क्या समस्या है कि प्रदूषण, भूजल स्तर का गिरना या फिर हम कह सकते हैं भौम जल का अनियमित अविनियमित दोहन और प्रदूषण की प्रमुख समस्या है। प्रदूषण में क्या क्या, कई बार आर्सेनिक, लेड और आपको कई जगह यूरेनियम और बिस्मत, ये सब जो धातुएं हैं, फ्लोराइड भर भर के मिलता है, ये सब जो धातुएं हैं ये सब आपको क्या मिलती हैं, भारत के भूजल में प्राप्त होती हैं, जो कि मानक सीमा से अत्यधिक हैं और मानव शरीर पर विभिन्न या प्रभाव डालती हैं, इसमें कैंसर जैसे ठीक है बीमारियां भी होती हैं। तो आपको भूमिका में यह समझाना है कि भारत में कुछ भूजल की समस्या है और ये समस्या को आप इस एग्जाम्पल्स के साथ साथ कोट कर सकते हैं कि प्रदूषण और क्या से समस्या है, अविनियमित दोहन। तो आपने ये बता दिया कि इसी समस्या की पुष्टि कौन कर रहा है, ग्लोबल वाटर क्वालिटी इंडेक्स, या फिर आप बता सकते हैं कि नीति आयोग जो 2020 में बता रहा है कि 2020 में 21 शहर जल संकट से ग्रस्त होगा, और आपने हाल ही में मनाली और केप टाउन जो दक्षिण अफ्रीका का शहर है वहां पे सुना होगा कि किस प्रकार से डे जीरो की उपस्थिति आ गई थी। डे जीरो मतलब उपयोग हेतु जल अब बचा नहीं है शहर में। अब बात करेंगे जो प्रश्न का मुख्य भाग है उसमें क्या लिखना है, हमने भूमिका लिख ली, और भूमिका ध्यान दें कि 25 से 40 शब्द यानी 10% कुल जितना प्रश्न पूछा गया, अगर 150 शब्दों का पूछा गया है तो 10% यानी 15 शब्द से 20 शब्द में भूमिका होनी चाहिए, और अगर 250 शब्दों में पूछा गया है तो 25 से 40 शब्दों में आपकी भूमिका हो जानी चाहिए। तो आपने ये बता दिया कि भारत में भूजल की समस्या, ये आपने भूमिका में दिखा दी। उसके बाद आप क्या बताएंगे, इस समस्या का समाधान पारंपरिक जल संग्रहण प्रणालियां किस प्रकार संभव करती हैं। तो आपने ये बताया कि किस प्रकार संभव कर रही है, फिर आप बताएंगे कि हालांकि पारंपरिक जल प्रणालियां संभव तो कर रही हैं, ठीक है भारत में भूजल समस्या का समाधान तो कर रही है, परंतु इनकी स्वयं में कुछ सीमाएं हैं और उन्हीं सीमाओं का ठीक है, आपने जब कुछ सीमाएं बता दी कि सही बात है समाधान तो कर रही है, पूरी तरह से समाधान नहीं कर पाएंगे, तो आपने सीमाओं की चर्चा कर दी यहां पे, क्योंकि चर्चा करें हम अपने, हो सकता है आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम विशेष लेक्चर टेल वर्ड्स पे रखेंगे कि चर्चा करें में क्या लिखना होता है, विश्लेषण करें में क्या लिखना होता है, ठीक है समीक्षा करें और आलोचनात्मक टिप्पणी करें और टिप्पणी करें, जिससे जो कीवर्ड्स हैं उसमें अंतर क्या होता है और सब में लिखना क्या होता है, विषय वस्तु क्या लिखनी होती है, इसमें आने वाले लेक्चर सीरीज में डिस्कशन करेंगे। तो आपने क्या बता दिया, आपने बता दिया कि कुछ सीमाएं भी हैं, फिर आप क्या करेंगे निष्कर्ष, जब आप सीमाएं बताएंगे तो निष्कर्ष क्या होगा, इन्हीं सीमाओं का समाधान। तो देखिए अगर हमने यहां पे कुछ सीमाएं बताई तो क्या बताएंगे कि समाधान क्या, पारंपरिक जल संग्रहण प्रणालियों को जो जोड़ दिया ही जाए, परंतु आधुनिक तरीकों के साथ साथ भूजल दोहन पर भी विनियमन आवश्यक है, क्योंकि भूजल दोहन हमने शुरू में ही बात करी थी भूमिका में ही कि समस्या क्या है, मुख्यतः भूजल दोहन एवं प्रदूषण, यही दोनों समस्या है और इन दोनों का समाधान हमें खोजना है। तो अब तक हमने जितने प्रश्न अभी तक डिस्कशन किए हैं उसमें हमने यह समझाया कि हम किस प्रकार भूमिका लिखेंगे, किस प्रकार मुख्य भाग लिखेंगे, किस प्रकार हम प्रश्नों को समझेंगे और किस प्रकार निष्कर्ष लिखेंगे। जो आने वाले हमारे लेक्चर्स हैं इसमें अब हम सीधे उत्तर लेखन का अभ्यास करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे 250 शब्दों में उत्तर क्या लिखना है, आपको एग्जैक्टली 250 शब्दों में किस प्रकार फ्लो डायग्राम बनाना है, किस प्रकार चीजें आपको समझनी है, हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो आपको अगर यह रिक्वायरमेंट हो रही हो कि इसी प्रकार के लेक्चर्स को आगे बढ़ाया जाए कि सीधा 250 शब्दों का मॉडल आंसर देखा जाए कि 250 शब्दों में क्या मॉडल आंसर लिखना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणियां जरूर करें, ठीक है। तो हम उससे पहले एंड करने से पहले हम पहले इसका मुख्य भाग समझ लेते हैं कि वाकई में पारंपरिक जल संग्रह प्रणालियां क्या हैं और पारंपरिक जल संग्रह प्रणालियों का समाधान कैसे दे रही है जो भूजल की समस्या है भारत की। तो आप एग्जांपल से बताएंगे, आपने प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान पढ़ा ही होगा कि भारत में कांटा है, केरे है, ठीक है ये सब कर्नाटक में, जोहड़ है मध्य प्रदेश राजस्थान में, बावली और आहारपाइन बिहार में, ये सब जो भारत में है ये क्या है, पारंपरिक जल संग्रह प्रणालियां हैं। तो आप एग्जांपल्स में इसको जरूर कोड करें। तो ये है पारंपरिक जल संग्रह प्रणालियां। एक अब देखिए जो ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके पास बहुत ही अच्छा स्पेस है और मौका है
कि आप कोई केस स्टडी को सेलेक्ट करें और केस स्टडी डाल दें। और अगर आपने केस स्टडी के माध्यम से इस आंसर को लिखा कि केस स्टडी, जैसे अगर हम बात करें अभी हम इस प्रश्न में डिस्कस करेंगे आहार पाइन की, अगर आपने एक हेडिंग डाल के लिख दिया कि केस स्टडी के माध्यम से हम इस प्रश्न को समझते हैं, तो केस स्टडी और पहला पॉइंट कि ये जो आहार पाइन है ये जल का संरक्षण कर रही है, और ये आपने समझा दिया कि कहीं पे हो रहा है ग्राउंड पे, कि भाई सही में बिहार में एक जगह है, बिहार में कोई भी जगह भागलपुर उठा लीजिए, भागलपुर में आहार पाइन का प्रयोग किया जा रहा है गंगा नदी पे, और गंगा नदी पे आहार पाइन का प्रयोग करने से क्या हो रहा है, जल का संरक्षण, भूजल का पुनर्रिचार्ज, देखिए क्या हो रहा है, भूजल का पुनर्रिचार्ज। और भूजल का पुनर्रिचार्ज क्या होगा, तो इससे कहीं ना कहीं प्रदूषक तत्वों का कंसंट्रेशन, प्रदूषक तत्व जो है उनके कंसंट्रेशन में भी कमी आएगी, ठीक है, यानी उनका जो संकेंद्रण है उसमें भी कमी आएगी जब भूजल पुनर्भरण हो जाएगा। और दूसरी जो जल का स्तर है, जो भूमिगत जल स्तर जो गिर रहा है, यानी जो अनियमित दोहन है, अविनियमित दोहन है, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो भूजल का भी पुनर्रिचार्ज कर रहा है, जल का संरक्षण कर ही रहा है, जो जल नदी में बह जाता था उसको आप क्या कर रहे हैं, पारंपरिक जल संग्रह प्रणालियों के माध्यम से उसको इकट्ठा कर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि लागत में कम है तथा सामुदायिक प्रबंधन के माध्यम से क्या कर रही है, यह भागीदारी आधारित, भागीदारी आधारित व्यवस्था कर रही है। तो भागीदारी आधारित व्यवस्था कर रही है, तो जल समस्या थी एक, उसकी और समस्या यह है कि लोग जो है अपव्यय बहुत ज्यादा करते हैं, और जब जो समुदाय जिसको जल की आवश्यकता है उसी को आपने प्रबंधन हेतु बैठा दिया, या फिर हम कह सकते हैं जो शैतान बच्चा है उसी को क्लास का मॉनिटर बना दिया, तो क्या होगा, बस शैतानी कम हो जाएगी क्लास में। तो यही क्या होगा, जब सामुदायिक प्रबंधन जैसी व्यवस्थाएं कर देंगे तो क्या होगा, जल का जो अविनियमित दोहन जैसी जो समस्या है वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो ये जो पारंपरिक जल संग्रह प्रणालियां हैं वो इस प्रकार से जल की समस्या का समाधान करेंगे। अब बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, एक अरवारी जल संसद है ये, ठीक है, अरवारी है या खारी नहीं है, राजेंद्र सिंह जल पुरुष का नाम, आपने अगर प्रीलिम्स की तैयारी की होगी तो उसको सुना होगा, राजस्थान में पारंपरिक जल संग्रह प्रणालियों का उपयोग करके अरवारी नदी को पुनर्जीवित कर दिया जो कि अरावली नदी से उतरती थी। तो आप चाहें तो अगर आपको इसका केस स्टडी तैयार है तो आप इसके माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते, लिख सकते हैं। दूसरा है आहार पाइन। आहार पाइन क्या है, बिहार की स्थानीय प्रणाली है, ये नदी मुख्य नदी है, अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन देखें जो कि दल इस पेज के जल जो है इस नदी में इस पेज के अंदर के डायरेक्शन में बह रहा है, जिसको हम इस चिन्ह से दिखा सकते हैं। आहार पाइन क्या होता है, बगल में एक छोटा सा नाला बना दिया जाता है और नाले को जो है नदी के ऊपरी हिस्से से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, नाले को नदी के ऊपरी हिस्से से जोड़ दिया जाता है। तो जब नदी में जल स्तर इससे ऊपर हो जाए, ठीक है, इससे ऊपर हो जाए तो क्या हो रहा है, ये नाला भर जा रहा है, और इस नाले के जल का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, तो जल कंजर्व हो गया, और जल का प्रयोग क्या कर रहे हैं, हम खेतों में प्रयोग कर रहे हैं, और जो अन्य कार्य हैं जल के जितने कार्य हैं उसमें हम कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या कर रहा है, जल संरक्षण कर रहा है, ये नदी में जल बाढ़ का पानी बह जाता था इसको संरक्षण किया, भूजल का पुनर्रिचार्ज किया, क्योंकि ये जो नाला है ये क्या करेगा, यहाँ पे पानी रिस रिस के भूजल को पुनर्रिचार्ज करेगा, यहाँ पे भी रिस रिस के भूजल को पुनर्रिचार्ज करेगा। फिर ये लागत में कम नेचुरल मिट्टी का बना हुआ, केवल आप कह सकते हैं मनरेगा से अगर काम कराया जाए तो कुछ दिनों में बन जाता है, और सामुदायिक प्रबंधन के माध्यम से यह भागीदारी आधारित एक व्यवस्था है। तो आपने एक केस स्टडी ले लिया अगर और इसके माध्यम से चीजों को समझा दिया, तो वन ऑफ द बेस्ट तरीका है भूगोल के उत्तर लिखने का कि आप एक केस स्टडी उठा लें। तो आहार पाइन का उठा सकते हैं आप, अरवारी जल संसद का उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, भाई पूरी तरह से यह भूजल समस्या का समाधान थोड़ा कर पा रहा है, तो सीमाएं क्या है कि प्रदूषण की समस्या का बहुत बढ़िया से समाधान नहीं हुआ, ठीक है, प्रदूषण जो फ्लोराइड है उनकी समस्या का समाधान कहाँ है कि फैक्ट्रियों पर रोक लगाई जाए, भैया जो टैनिंग इंडस्ट्रीज हैं जो कि कैडमियम जैसी धातुएं खूब तीव्रता से बहाती हैं तो उनको रोका जाए, यहां समाधान है, ये भी एक समाधान है। और जल संकट की तीव्रता बढ़ती जा रही है तो इतने तीव्र जल संकट को समाप्त करने के लिए ये जो पारंपरिक जल प्रणालियां हैं इतने तीव्र गति से यह कार्य नहीं कर पाएंगी, इनके लिए कुछ समय चाहिए, हमें गेस्टेशन पीरियड लंबा होता है। तो आप इस प्रकार से कुछ सीमाएं बता दीजिए, और जब आपने सीमाएं बताई कि कुछ सीमाएं हैं तो उसके बाद उसका आपने समाधान बता दिया, और समाधान हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, वही निष्कर्ष में हो जाएगा कि पारंपरिक तथा आधुनिक तरीके दोनों का संश्लेषण आवश्यक है, यानी जो परंपराएं चली आ रही हैं
जो स्थानीय समुदायों का जो ज्ञान है उनका प्रयोग आवश्यक है, साथ में ही क्या आवश्यक है, भूजल दोहन पर विनियमन। और नीति आयोग के अनुसार अभी बात की गई थी, नीति आयोग के अनुसार क्या कहा गया है, भूजल दोहन पर कर लगाया जाए यानी चार्ज किया जाए। तो आप इन चीजों का एक्सप्लेन कर सकते हैं आंसर में, भूमिका हो गई आपका, मुख्य भाग हो गया, निष्कर्ष हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या अन स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप पूर्वांचल आईएएस के कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप गोरखपुर में हैं तो दिल्ली के टीचरों द्वारा ही और दिल्ली से लगभग एक तिहाई कम मूल्य पर फेस टू फेस क्लासें हैं। आप चाहें तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन क्लासों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।